सो किसानी आंदोलन जिथे लगातार जारी है उथे ही अज एक बार फिर तो गलबात का सिलसिला होगा। दस दिए कि केंद्र अते किसानों विचाले अज अठवें दौर की मीटिंग होएगी दिल्ली के विज्ञान भवन। दोपहर 2 बजे मीटिंग जी है वो शुरू होगी। हूँ तक दस दिए कि 7 मीटिंगा हो चुकी ने, हालांकि इन कोई हल नहीं निकल सकिया है। अजे विचकार अज की मीटिंग की होएगा इस पर नज़र सबकी रहेगी। सरकार ते किसान आपो अपने स्टैंड ते लगातार कायम ने, लगातार अपनी मंगा ते जिथे किसान बजट ने उथे सरकार भी खेती कानून नूं वापस करन दी मूड विच नजर नहीं आ रही। किसान खेती कानून रद्द कराउण दी मंग ते लगातार बजट ने किसान आंदोलन अज 44वें दिन भी लगातार जारी है। तमाम औकड़ां दे बावजूद दिन रात किसान बॉर्डरां ते डटे हुए ने। बीते दिनी विशाल ट्रैक्टर मार्च भी कढ़िया गया, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करके सरकार नूं चेताया गया कि वह किसी भी तरह पिछे हटन वाले नहीं। अजिहे विचकार अज दी गलबात की कुछ निकलता है यह देखना अहम रहेगा। सो 7 मीटिंगां हो चुकिया ने, अज 8वें दौर की मीटिंग एक बार फिर तो होनी है। हालांकि तमाम मीटिंगां जिहड़ियां ने बेसिट्टा रही ने। अजे विचकार हुण क्या अज दी मीटिंग विच कोई सार्थक सट्टा निकल पाता है इससे हुण नज़र सबदी रहेगी, क्योंकि किसान जो ने, किसान आगू जो ने, वो लगातार इस गल ते बजद ने कि खेती कानून रद्द कराउण तो घट उन्हां नूं कुछ भी मंजूर नहीं, और इसे मंग नूं लैके लगातार डटे हुए ने। 44वें दिन भी उन्हां दा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि तमाम मौकड़ां दा सामना भी उन्हां नूं करना पै रहा है। कड़ाके की ठंड इस वेले पै रही है, पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है, और लगातार पिछले कई दिनों तो पे मीह के चलदियां भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पै। अजे विचकार इस आंदोलन के कई किसानों की हुण तक जान भी जा चुकी है, लेकिन किसान पूरी तरह के नाल अपने जोश के नाल इस आंदोलन के जुटे हुए ने, जिन्होंने सरकार को एक बार फिर चेताया कि जे उन्हां दी मंगा ना मनिया आंदोलन जड़ा है होर तेज ते तिखा किया जाएगा। उधर सरकार लगातार इस कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह किसानों नूं इस खेती कानून के फायदे बारे दस के इस दे लई उन्हां नूं राजी किया जाए कि खेती कानून लागू रहे। हरप्रीत दे नाल गल करदे, हरप्रीत बंदेशा साडे नाल जुड़ चुके ने। हरप्रीत, अज एक बार फिर 8वें दौर की हुण मीटिंग होनी है, हालांकि जिस तरह के नाल पिछलियां मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं, अभी ते दिन असीं देखिआ विशाल ट्रैक्टर मार्च करके शक्ति प्रदर्शन किया गया, अजे विचकार किन्नी उम्मीद कर सकदे आं अज दी मीटिंग तो? जी बिल्कुल, जो पिछली बैठक सी खास तौर पर जी लास्ट मीटिंग सी, उस मीटिंग के बाद जो किसान आगू बाहर निकले तो उन्हों का कहना सी कि असी निराश हाँ, सानू अज ये उम्मीद नहीं सी कि साड़े नाल सरकार इस तरीके ना गाल करेगी, क्योंकि उस तो पहला जी बैठक हुई सी दिसंबर दे विच, उस बैठक दे विच किसान काफ़ी खुश सन, उन्होंने लगा कि सरकार उन्होंने वाल कदम वधा रही है, असी भी अगे वधीए ते इस गल नू खत्म किया जाए। लेकिन 4 तरीक की जी बैठक सी, उस बैठक तो बाद किसानों का कहना सी कि सरकार का रवैया ठीक नहीं, सरकार अज भी सानू उही गल कह रही है कि चर्चा कर लो, सानू दसो की गल है, सानू ये दसो कि तुसी सिर्फ रद्द करवाना चाहते हो। शायद यह हासोहीणियां गल्लां ने कि सरकार आखिर इनियां बैठकों तो बाद एक जेकर ये गल कहे कि सिर्फ तुसी रद्द करवाना चाहते हो। किसान तो गला फाड़ फाड़ के गल कह रहा है, सड़क पर बैठा है, पंजाब से बैठा रहा, पटरिया से बैठा से, उदों भी वो एक ही गल कहता कि रिपील करो तो असी अपने घरों जाइए। कल जो ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया वो सिर्फ ट्रेलर से, जो कि किसान लगातार इस गल कह रहे हैं कि 26 जनवरी होने वाली परेड का असी सिर्फ एक छोटा जिहा नमूना सरकार को दिखाया है कि जेकर नहीं मनोगे तो जेकर उधर तुहाडे टैंक खड़े होणगे तो इधर साडे ट्रैक्टर खड़े होणगे। हज़ारां की गिणती च कल ट्रैक्टर जिहड़ा वो सड़क पर उतरिया, जिथे सिर्फ 400 की कॉल की गई सी उत्थे 4000 ट्रैक्टर सन। कल जिवें पंजाब दे आगुआं ने भी कहा कि असीं पिंडां च 3 तों 5 ट्रैक्टर कहे कि तुसीं आओ, एक रिहर्सल परेड है वो लिए, तो 10 तों 12 ट्रैक्टर आए, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 26 जनवरी जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च होएगा जेकर हुंदा है तो कन्फ्रंटेशन तो होएगी होएगी, इस गल तो इतराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26 जनवरी लैके दिल्ली पुलिस होवे, सुरक्षा एजेंसियां हुण काफ़ी चाक चौबंद रहिंदियां ने, तो उन्हां हालातों के जेकर कोई जानी नुकसान हो जाता है, कोई नुकसान वड्डा हुंदा है तो आखिर कौन जिम्मेदार। हालांकि BJP के जिहड़े नेता ने, चाहे वह सुरजीत जानी होण या हरजीत सिंह ग्रेवाल, वो लगातार एक गल कहते हैं कि जेकर उत्थे किसान मर रहा है तो वो किसान लीडर की गलती है। ग्रेवाल साहब का बयान सी कि किसान आगुआ की गलती है जेकर उत्थे किसान मर रहा है, लेकिन सरकार आखिर इस गल वल वधदी क्यों नहीं, सरकार एक कोशिश क्यों नहीं करती कि असी इसनू खत्म करिए। सुरजीत जियानी ते हरजीत ग्रेवाल दी प्राइम मिनिस्टर दा मीटिंग हुंदी है, सब नूं उम्मीद सी कि शायद उत्थों कोई चंगा सिट्टा निकलेगा, कोई चंगी खबर आएगी, हालांकि उन्होंने मना कर दिता कि उन्होंने कहा कि असी अपने नेता नूं मिल गए हैं। हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि असी अपने नेता नूं मिल के आए हैं, असी नहीं सांझियां करांगे की गल्लां कीतियां ने। उत्थे सुरजीत कुमार जियानी ने तां कहना सी
कि असी तो सिर्फ यह दसना चाहते कि ऑनलाइन टाइम लो तो पीएम नू जाके कोई भी मिल सकता। आखिर इस गल का मायने की किसान नेता जिहड़े ने गलबात तो भज रहे हैं, क्योंकि किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि असी गल करन हमेशा तैयार हाँ, असी टेबल टॉक तो नहीं भजांगे। अज दुपहरे 2 बजे बैठक विज्ञान भवन च होनी है, उम्मीद की जाए फिर तो, क्योंकि उम्मीद नहीं छड़ी जा सकती, किसान आगू भी यही गल कहते हैं। लेकिन सब तो वड्डा सवाल है कि आखिर सरकार दे उस रवैये का की किया जाएगा, सरकार जिस रवैये ते कायम है कि उस रवैये नाल हल निकलेगा, यह सवाल अज भी उत्थे ही खड़ा है। बिल्कुल, क्या रवैया रहेगा। लेकिन जे असी पिछली मीटिंग तो बाद दे हालात दी गल करिए हरप्रीत, जिथे किसानों वालों जो ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया, और हुण 26 जनवरी नूं लैके भी उन्होंने ऐलान कर दिता कि वो उत्थे ट्रैक्टर मार्च परेड दी जिहड़ा है कढ़नगे। किसानों के तेवर बिल्कुल साफ ने, वो अपनी मांग ते बजते हैं। उधर सरकार लगातार एक कोशिशा कर रही है, उन्होंने मंत्री जिस तरह के नाल बयान दे रहे हैं कि वो फिर भी यही बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि खेती करूँ उन्होंने भले लिए ने, उन्होंने किसानों बारे सोचन जो इस कानून के हक में ने। अजे विचकार लगता नहीं है, क्योंकि दोनों उत्थे ही अपने स्टैंड ते कायम ने लगातार। जी बिल्कुल, किसान तो पहले दिनों ही अपने गल से कायम है। किसान ने तो एक ही गल रखी कि तिन्ने रिपील करो तो MSP दो तो असी अंदोलन खत्म करते हैं। लेकिन सरकार ने शायद इस गल नूं इन्ना सीरियसली लिया नहीं। जो किसान पंजाब च बैठा सी उदों तो यह गल कह रहे थे कि साडे नाल गल करो। तुहानूं याद होएगा जिहड़ी पहली मीटिंग हुई जिस तो कृषि भवन जिच कि सिर्फ सैक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे सन, उस बैठक तो जिस तरीके नाल किसान नाराज होकर निकले, शायद सरकार नूं उदों ही यह गल समझ लैनी चाहिए सी कि किसान किस तेवर नाल किस अपने आइडिए दे नाल या कह जाए कि किस अंदाज दे नाल वह इस बैठक च आ रहे हैं। सरकार उस गल नूं समझ ही नहीं पाई। दूसरी अहम चीज़, सरकार किसानों के विश्वास क्यों नहीं जगा पा रही। बेभरोसगी इन्नी ज़्यादा है किसानों नूं सरकार दे उत्ते कि जिहड़े दो गल्लां सरकार कहिंदी कि असीं मान लिया, सरकार उन्हूं कहा कि 50% काम हो गया, उत्ते किसान आगू कहिंदे ने कि पूंछ निकली हाथी उत्थे ही खड़ा है जी। वो जिहड़ी गल्लां कहीआं गईआं कि असीं बिजली का जिहड़ा सोध एक्ट है असीं वो नहीं लियावांगे, तो जिहड़ा पराली दे उत्ते क्रिमिनल एक्ट लगता है कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना तो 5 साल की सज़ा, उसते भी किसानों ने कहा कि अजे तक कोई जियो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन सरकार ने नहीं जारी किया, तो असीं किवें भरोसा कर लीए। ये जिहड़ी बेभरोसगी है इसते भी सरकार नूं काम करना पएगा। दूसरे पासे कल शक्ति प्रदर्शन करके किसानों ने एक गल साफ कर दी, तो रदा यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं होया, देश के हर कोने च होया। कल जो तस्वीर यूपी के सीतापुर तो आईया कि किवें एक यूपी पुलिस के इंस्पैक्टर एक किसान नूं धमका रहे हैं कि तुहाडा छज्जा तोड़ देंगे असीं तुहानूं देख लवेंगे, वो तस्वीर शायद जरूर सोचने वाली ने कि सरकार किसान होना की, इस देश किसान होना जुर्म है कि किसान अपनी मांग नूं लैके सड़क ते आ रहा है कि वो अपराध। इन्हां गल्लां नूं सरकार नूं सोचना पएगा कि जिस किसान नूं तुसीं अन्नदाता कह रहे हो, रब कह रहे हो, आखिर फिर उहदे नाल इह वतीरा क्यों। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे उठते हैं, लेकिन हुण एक सब तो वड्डा सवाल, क्या अज दी मीटिंग विच कोई हल निकल पाएगा, किसी सार्थक सिट्टा निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत फिलहाल दी जानकारी। लेकिन इह तस्वीरां उन तमाम मीटिंगां दीआं, क्योंकि अज 8वें गेड दी मीटिंग है, इस तो पहलां 14 अक्तूबर दा जिहड़ा इह सिलसिला शुरू होया मीटिंग दा, जदों पहली मीटिंग हुई, फिर 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 30 दिसंबर, 4 जनवरी, और अज 8वें गेड दी मीटिंग, जिससे कि हुण सब दी नज़र है। लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए ने उस विच कहना मुश्किल है। हालांकि उम्मीद हर पासे रखी जा रही है, किसान भी उम्मीद कर रहे हैं, उधर सरकार भी उम्मीद कर रही है कि आपसी गलबात के जरिए ही इस मसले का हल निकलेगा, और गलबात नाल ही आज उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई सार्थक सट्टा सामने आ पाए।